फ्रेंड्स, माय नेम इज स्वस्ति मिश्रा और आज मैं आप लोगों को एक स्टोरी सुनाऊंगी फॉक्स एंड द क्रो के बारे में। दिस इज अ क्रो। क्रो को हिंदी में क्या बोलते? कौवा। हाँ, तो इसकी स्टोरी सुनाऊंगी। एक दिन की बात है, एक कौवे अपने मुंह में रोटी को लेके पेड़ पर आके बैठ गया। लुक एट दिस, क्रो बैठा है पेड़ पर। ओके, तो वो बैठ गया पेड़ पर, रोटी को लेके बैठ गया। उसे बहुत तेज़ भूख लगी थी, तो उसने सोचा अब इस रोटी को मैं खा लेता हूँ। तभी एक फॉक्स नीचे आके क्रो को देखना स्टार्ट कर दिया। फॉक्स जैसे क्रो को देखा, क्रो ने अपने मुंह में रोटी को कस के दबाया, पकड़ा हुआ बैठा हुआ था। फॉक्स ने बोला, कौवे भैया, कौवे भैया, तुम तो बहुत अच्छा गाना गाते हो, आज मुझे भी गाना सुना दो। कौवा बड़ा खुश हुआ अंदर से, आहा, आज तो मुझे लोमड़ी ने बोला मैं तो बहुत अच्छा गाना गाता हूँ। तो खुश होके कौवा काँव काँव करने स्टार्ट कर दिया। जैसे काँव काँव करने स्टार्ट किया, रोटी फटाक से कौवे के मुंह से गिर पड़ी। जैसे रोटी ज़मीन पे गिरी, फॉक्स ने उसे देख लिया और फटाक से मुंह में कैच किया और रोटी को लेके भाग गया। कौवा पेड़ पे बैठा हुआ बुद्धू बन गया। तो हमें इससे क्या सीख मिलती है कि कोई इंसान हमें अगर आके बुद्धू बनाए, कोई चीज़ हमारी मांगे, तो कुछ सोच के हमें उसे देना चाहिए। ऐसे नहीं कि किसी कोई आया, कुछ बोला, उसको हम कुछ भी दे दिए, है ना। इससे हमें यही सीख मिलती है बच्चों कि अपने सामान, अपने चीज़ों की, अपने हर चीज़ों की केयर करनी चाहिए, नहीं तो कोई भी इंसान आएगा और इसी तरह फॉक्स की तरह बुद्ध बना के हमें चला जाएगा। सारे बच्चे लोग, स्टोरी पसंद आई? अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।